हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। टुडे आवर टॉपिक इज लूसी पोइम्स बाय विलियम वॉर्ड्सवर्थ, जो कि 1798 से 1801 में पब्लिश करवाई गई थी। द लूसी पोइम्स आर ए सीरीज ऑफ फाइव पोइम्स कंपोज्ड बाय इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वॉर्ड्सवर्थ बिटवीन 1798 एंड 1801। लूसी पोइम्स पाँच पोइमों की एक सीरीज थी, जो कि इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वॉर्ड्सवर्थ के द्वारा 1798 से 1801 के अंदर पब्लिश करवाई गई थी। ऑल बट वन वर फर्स्ट पब्लिश ड्यूरिंग 1800 इन द सेकेंड एडिटेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। पांचों पोइमों में से एक पोइम को छोड़कर जो चार पोइम्स हैं उनको 1800 में लिरिकल बैलेड्स के अंदर पब्लिश करवाया गया था। इन द सीरीज वॉर्ड्सवर्थ साउट टू राइट अनअफेक्टेड इंग्लिश वर्स इन्फ्लुएंस्ड विद अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ऑफ ब्यूटी, नेचर, लव, लॉन्गिंग एंड डेथ। यानी कि इन पोइम्स के अंदर लव, लॉन्गिंग, डेथ और नेचर और जो कि आइडिया ऑफ ब्यूटी है उसके एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं। द पोइम वॉज रिटन ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड व्हाइल द पोइट लिव्ड इन जर्मनी। यानी कि जब पोइट जर्मनी में रहता था तो उस टाइम पर उन्होंने ये पोइम्स लिखी थी। वॉर्ड्सवर्थ एग्जामाइन द पोइट्स अनरिक्विटेड लव फॉर द आइडियलाइज्ड करेक्टर ऑफ लूसी एन इंग्लिश गर्ल वो हैज़ डाइड यंग। उन्होंने इसके अंदर लूसी नाम की एक लड़की का वर्णन किया है जो कि यंग एज में ही मर चुकी थी। द आइडिया ऑफ हर डेथ वेट्स हैवीली ऑन द पोइट थ्रू आउट द सीरीज। इन पॉइंट्स में ज़्यादातर लूसी की जो डेथ का आइडिया है वो थ्रो आउट किया गया है। वट एवर, लूसी वॉज बेस्ड ऑन ए रियल वूमन और ए फिगमेंट ऑफ द पोइट्स इमेजिनेशन हैज़ लॉन्ग बीन ए मैटर ऑफ डिबेट अमोंग स्कॉलर्स। इस विषय पर स्कॉलर्स के बीच में बहुत ज़्यादा बहस चलती है कि लूसी एक वास्तविक महिला है या फिर उसकी कल्पना पर आधारित है। लेकिन सच बात तो ये है कि किसी को नहीं पता लूसी कौन है। लूसी उसकी मदर है या फिर उसकी वाइफ है या फिर उसकी डॉटर है या फिर उसकी बिलविड है या फिर उसकी पावर ऑफ इमेजिनेशन है, यानी कि उसने इमेजाइन किया है लूसी को। लेकिन उनकी ज़्यादातर पोइम्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि लूसी उनकी बिलविड है। ये हमारी लूसी पोइम्स की सीरीज है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, सी डवेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमोंग अननोन मैन, थ्री ईयर्स सी ग्रू इन सन एंड शोवर, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। जो हमारी फोर्थ पोइम है थ्री ईयर्स सी ग्रू इन सन एंड शोवर 1802 में पब्लिश करवाई गई थी, और ये जो चार पोइम्स है इनको 1800 में पब्लिश करवाया गया था लिरिकल बैलेड्स के अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले हमारी पोइम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। ए नरेटिव रिकलेक्शन ऑफ द स्पीकर्स ट्रिप टू लूसीज कॉटेज ड्यूरिंग द इवनिंग एज मून सिंक्स लोअर थ्रू आउट द जर्नी। पोइट कह रहा है कि इस पोइम में विलियम वॉर्ड्सवर्थ शाम के टाइम में जब आसमान में चांद चमक रहा था तो वो लूसी के कॉटेज की तरफ जा रहे थे उससे मिलने के लिए। दिस स्पीकर वो हैज़ बीन रिकाउंटिंग द जर्नी एंड इंडिकेटिंग द पैशन ही फील्स फॉर लूसी। जिन विचित्र आवेशों को वो फील किया करते थे उनको वो अपनी जर्नी के दौरान रिकाउंटिंग कर रहे थे। इज ट्रेंड बाय सडन डिस्पीरेंस ऑफ द मून बिहाइंड लूसीज कॉटेज। जब चांद लूसी के कॉटेज के पीछे छुप गया तो जो पैशंस थे वो डर में बदल गए, यानी कि पोइट को उसकी डेथ का डर लगने लगा। जिस तरह से चांद ढला है कहीं लूसी भी उसी तरह से ढल ना जाए, यानी कि उसे लूसी की डेथ का डर लगने लगा। When this guiding light disappears, he wonders in fear what he would do should Lucy ever die. यानी कि पोइट को जब वो चांद दिखना बंद हो गया तो उसे डर लगने लगा कि यदि लूसी मर गई तो वह क्या करेगा। See developed among the untrodden ways. This poem gives a fuller portrait of Lucy. इसके अंदर लूसी का पूर्णतः पोर्ट्रेट दिखाया गया है, चरित्र चित्रण किया गया है। सी वॉज ए ब्यूटिफुल एंड सोलिटरी मेडियन वो रिसाइडेड इन द रिमोट इंग्लिश कंट्री साइड नियर द रिवर डव। लूसी एक सुंदर और एकांत युवती है जो कि कंट्री साइड में रिवर डव के पास रहती है। सी हैज़ फ्यू सूटर्स एंड जर्नली वेंट अनोटिस्ड बाय द वर्ल्ड। यानी कि इस संसार में उसे बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है।
हर प्रेजेंस ऑन अर्थ वॉज शॉर्ट, इस धरती पर उसकी उपस्थिति बहुत कम थी, यानी कि वो बहुत जल्द मर गई थी। एंड आइसोलेटेड इनफ टू इम्पैक्ट फ्यू, और उसका इस पर प्रभाव भी कम था। बट सी लेफ्ट एन इनडिलिबल मार्क ऑन द स्पीकर वो लव्ड हर डियरली, लेकिन वो स्पीकर के लिए एक कभी नए खत्म होने वाले निशान के समान है जिससे वो प्यार करता था। ही इज हंटेड बाई हर अब्सेंस नाउ दैट सी इज डेड, और लूसी की इस अनुपस्थिति ने नरेटर को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उसे हंट किया है, क्योंकि लूसी अब मर चुकी है। इसके अलावा मैंने हर लूसी पोइम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रखा है। यदि आपको कोई भी लूसी पोइम देखनी हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर कोई भी पोइम आप देख सकते हैं। आई ट्रेवल्ड अमोंग अननोन मैन, द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स अपॉन द विजिटिंग फॉरजियन लैंड्स आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड। पोइट का मन बनता है कि मैं इंग्लैंड से पार किसी दूसरे देश में जाऊं। एंड हाउ इट टुक बीइंग अवे फ्रॉम हिज होमलैंड टू मेक हिज फुली अप्रिसिएट इट। पोइट कह रहा है कि जब वह अपने देश से दूर चला जाता है तो वो अपने जो नेटिव लैंड होती है उसको अप्रिसिएट करता है, उसकी तारीफ करता है। दिस रिन्यूड लव फॉर हिज कंट्री लीड्स हिम टू प्रोक्लेम दैट ही विल नेवर लीव्स इट अगेन। जब वो अपनी मदरलैंड को छोड़कर चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद जो प्यार उसके मन में अपनी मातृभूमि के लिए आता है, तो वो सोचता है कि मैं अपनी मातृभूमि को दोबारा नहीं छोड़ूंगा। ओनली इन द फाइनल फोर लाइन्स ऑफ द लास्ट स्टैंजा डज लूसी फाइनली मेक एन अपीयरेंस। केवल लास्ट की चार लाइनों में ही लूसी को अपीयर किया गया, यानी कि लूसी के बारे में दिखाया गया है। हर मेमोरी इज कनेक्टेड विद द मेमोरी ऑफ इंग्लैंड, कि जो इंग्लैंड की यादें हैं वो लूसी के साथ जुड़ी हुई है। एंड हिज लव फॉर इंग्लैंड एंड लूसी आर वन एंड द सेम। लूसी और इंग्लैंड के लिए पोइट का प्यार एक ही है और सेम ही है, क्योंकि लूसी की यादें इंग्लैंड से जुड़ी हुई है, और जब वो इंग्लैंड में रहा करता था तो वो लूसी को देखा करता था, तो उसे इंग्लैंड से बहुत लगाव है। थ्री ईयर्स सी ग्रू इन सन एंड सोवर वाइल द पोइम बिगेंस विद द नरेशन बाय द मेन स्पीकर। नेचर इज आल्सो पर्सोनिफाइड एंड स्पीक्स थ्रू आउट मच इन द वर्स। जब यह पोइम शुरू होती है तो उसके शुरुआत में ही नेचर जो है वो बोलती है, यानी कि इस पोइम के अंदर नेचर बोल रही है। इन दिस पोइम लूसी इज डुप्लीकेटेड एज मटरिंग फ्रॉम चाइल्ड टू वुमेन आफ्टर थ्री ईयर्स टाइम। इसके अंदर दिखाया गया कि लूसी को एक 3 साल की बच्ची से एक वुमेन बनने तक नेचर ने ही पाला है। एट दिस टाइम, इस समय पर नेचर टेक्स पोजेशन ऑफ हर, नेचर उसको अपने अंडर में लेती है, ट्रांसफॉर्म्स हर इनटू ए आइडियल वुमेन, और उसे एक आदर्श महिला बनाती है। किसे? लूसी को। इस पूरी पोएम में नेचर बोल रही है कि जब लूसी 3 साल की हो जाएगी तो मैं उसे मेरे अंडर में ले लूँगी और मैं उसे मेरे अनुसार पालूंगी, मैं मेरे अनुसार उसे एक वुमेन बनाऊंगी। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यानी कि एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया है। दिस शॉर्ट पोएम ऑफ जस्ट 8 लाइन्स, यह छोटी पोएम केवल 8 लाइनों की है, कॉन्टेम्पलेट्स द लॉस ऑफ लूसी टू अर्ली डेथ इन द ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव टोन, लेकिंग ग्रेट डेप्थ्स ऑफ इमोशन। इनके अंदर लूसी की जो डेथ होने के बाद धरती पर जो कमी हो गई है उसको दिखाया गया है, इसके साथ उसकी मौत की गहराई का वर्णन किया गया है। द स्पीकर कैन सीम आइदर रिजाइन टू द इनस्केपेबल रियलिटीज ऑफ मोरालिटी, यानी कि या तो पोइट मोरालिटी की सच्चाई से इस्तीफा दे रहा है, और टोटली ड्रेन्ड ऑफ द पावर टू फील एनीथिंग इन लाइट ऑफ हिज ओवरवेलमिंग लॉस, या अपने भारी नुकसान के प्रकाश के अंदर उसकी पावर के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि इस पोएम के अंदर पोइट यह मानने को तैयार नहीं है कि लूसी मर चुकी है। सो फ्रेंड्स, हमारी लूसी पोएम्स कंप्लीट हुई। बहुत जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।